भैया इससे पहले जो है एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी, जिसमें क्या था कि स्क्वायर सर्किल के अंदर था और उसका एरिया निकालना था। तो उसका हमने बताया था, क्या बताया था भैया, आप देख भी लेना या इससे वैसे समझ लो सिंपल, कि टू आर स्क्वायर सीधे एरिया आएगा। ठीक, स्क्वायर का एरिया सीधे आ जाएगा अगर सर्किल के अंदर स्क्वायर हो जिसका रेडियस आर है। ठीक, आज हम कुछ दूसरी बात करने वाले हैं। अब तुम लोग कहोगे यार बताने कौन कौन चीजें ले आते हैं। अब यहां ये कह रहे हैं हम कि भैया अगर ध्यान से सुनिए, अगर इनका पेरीमीटर एक हो, इनका पेरीमीटर एक हो, यानी अगर स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर एक है। हम लोग जैसे जनरल बात नहीं करते हैं कि भैया एक तार है, इससे बना स्क्वायर बनाया गया और स्क्वायर अगर उसी से सर्कल बनाया जाए, ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में अगर इसका एरिया दिया हुआ हो तो क्या इसका एरिया सीधे कोई जुगाड़ बता नहीं सकता है? हम बताएं, देखो ध्यान दो, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इसको ध्यान दो, हम ये कहेंगे 4 × एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन पाई, सीधे आंसर आएगा, चाहो तो ट्राई कर लेना। अब ऐसा कैसे बना? अब तुम लोग हम कैसे मान लें, हम नहीं मानो तो बताना पड़ेगा। देखो सुनो, होता क्या है, हमको मानो अच्छी तरीके से, इसका पैरीमीटर कितना होता है 4a। अब वो साहब कह रहे हैं कि पैरीमीटर इक्वल, तो भैया आप कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। देखो तो 2πr इक्वल कर दिया। अब जैसे इक्वल किया तो यार हुआ क्या, इन भाई साहब से इन भाई साहब उड़ा दो, यहाँ 2 बचा और तो अब आर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2a/π दैट इज इक्वल टू आर। ठीक, अब भैया एरिया मालूम है इसका क्या होता है? अब ये ना कह देना नहीं मालूम, सबको मालूम है यार, है ना, छोटे छोटे बच्चों को मालूम, तो आप लोग तो मालूम है होगा। चलो भैया इसको क्या करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता सर्किल का, है ना, तो हम सर्किल के एरिया में ही आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, एरिया तो पाई को पाई ही रहने दो, अब आर को क्या करेंगे, आर को हम लोग ऐसे करेंगे या कि नहीं करेंगे, देखो ध्यान दो, आर को क्या करेंगे 2a/π का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4a² / π² ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इन भाई साहब को, ये जो 2 बैठे थे सर के पछड़े, इनको हटा दिया हमने, कहा चलो हटाओ, है ना, तो अब बचा क्या 4a² / π। अब भैया ए स्क्वायर क्या होता है सभी को मालूम, इसका एरिया होता है, अगर साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भैया, साइड इनटू साइड तो होता है, यही समझाना था। ठीक है भैया, देखो ऐसा है, इतना ही समझाना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बिजी आदमी हैं तुम समझ लो। ठीक है, थैंक यू।